नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में फिर हम लोग साइंस के तूफान सीरीज में कार्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि कार्य क्या है और इसका जितना भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसके बारे में पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इससे क्वेश्चन एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एसएससी हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए छोटे से क्लास को एकदम ध्यान से सुनिएगा और इससे जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस क्लास में सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। कितने देर में? मात्र 5 से 7 मिनट में। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले लाइक और कमेंट कर दीजिए। देखिए लिखा है कार्य यानी कि वर्क क्या है। बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहा जाता है। पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं कि सदिश क्या है, अदिश क्या है। साइंस का जितना भी वीडियो है सबका प्लेलिस्ट बना चुके हैं, एलपी टेक्नीशियन नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। कार्य क्या है? बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहा जाता है। और मुख्य रूप से फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। कार्य को हम W से डिनोट करते हैं, W बराबर एफ एस। ये तीर का मतलब हो गया F भी सदिश है, S भी सदिश है। बल भी मेरा सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश राशि है, यानी W बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। ये थीटा का मान हम लोग कहाँ से लेंगे? F और S के बीच के जो कोण होगा उसी को थीटा बोला जाता है, यानी W बराबर एफ एस कॉस थीटा। यहाँ कार्य आपको पूछेगा क्वेश्चन में तो क्या दिया रहेगा? एफ का मान दिया रहेगा, एस का मान दिया रहेगा और थीटा का मान दिया रहेगा। यहाँ से आप कार्य का मान निकाल सकते हैं। कार्य का एसआई मात्रक, देखिए एसआई मात्रक कैसे निकाला जाता है। बल का मेरा एसआई मात्रक हो जाए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर, इसलिए कार्य का एसआई मात्रक आपका क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ध्यान से रखिएगा। और इसका बीमा क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये आपका किसका बीमा हो गया? कार्य का बीमा हो गया, या इसे हम जूल भी कहते हैं। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल भी होता है। और सीजीएस मात्रक इसका क्या होता है? अर्घ होता है। अर्घ को क्या बोले लिखा जाता है? ईआरजी, यानी कि अर्घ होता है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य कैसा राशि है? जब दो सदिशों के गुणनफल, यहाँ पर देखिए कार्य ही एक अपवाद है क्योंकि यहाँ पर दो ठो सदिश का गुणनफल एक अदिश आ रहा है, ये आपका एक अपवाद है। कार्य एक कैसा राशि है? अदिश राशि है। और एक जूल बराबर कितना होता है? 10^7 अर्घ होता है। अब यहाँ से समझिए, किए गए कार्य का मान धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों हो सकता है। कैसे हो सकता है यहाँ समझिए। पहले बात करेंगे कि शून्य कैसे हो सकता है। अगर थीटा का मान, कॉस थीटा का मान अगर हम 90 रख देंगे तो मेरा सब मान क्या कर देगा? जीरो कर देगा, क्योंकि कॉस थीटा 90 का मान आपका कितना होता है? जीरो होता है, इसलिए गुणनफल में ये सब जीरो हो जाएगा क्योंकि कॉस थीटा का मान -1 से बड़ा और जीरो भी होता है। और अब धनात्मक कैसे होता है? घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, यानी घर्षण बल पीछे की तरफ लगता है, इसलिए घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य मेरा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और जब बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में हो, जिस दिशा में हम चल रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन भी हो रहा है, तो किया गया कार्य का मान आपका क्या हो जाएगा? धनात्मक होता है। और जब बल तथा विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। सपोज दैट, मान लीजिए हम इधर बल लगा रहे हैं, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, इसलिए किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, यानी कार्य का मान धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों हो सकता है। अगर हम पटना से दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली से पटना फिर आ गए तो मेरा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा, कोई भी कार्य नहीं है। सपोज डेट, आप अपने मथे पर ईंटा लेकर खड़े हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, तो आपके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, इसलिए किया गया कार्य शून्य होगा। ये था आपका कार्य से संबंधित आज का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कार्य से क्वेश्चन पूछेगा तो इतना ही पूछेगा। अगर आज का क्लास आपको पसंद पड़ा है तो लाइक कमेंट जरूर करना है। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।